और एससीओ मीटिंग में तालिबान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। एससीओ ने तालिबान को आतंकवाद, युद्ध और ड्रग्स से मुक्त होकर अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक देश बनाने की सख्त हिदायत दी। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में दुशांबे डिक्लेरेशन को स्वीकृति दी गई, जिसके मुताबिक एससीओ के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देश के तौर पर रहने का समर्थन किया है। दुशांबे घोषणा पत्र में अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त रखने का भी आह्वान किया गया है। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है और समर्थन करने वाले देशों पर लगाम लगाने को कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर भी कार्रवाई की बात कही गई है, जिससे आतंकियों को आर्थिक मदद नहीं मिल सके। घोषणा पत्र के जरिए अफगानिस्तान में समावेशी सरकार पर जोर दिया गया है, जिसमें हर तबके को जगह मिल सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।